Good morning, students. Myself Shikha Tribathi here. We are in the excellence classes. यहाँ पे हम आप लोगों को सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करवाने जा रहे हैं और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है नाउन. एज यू ऑल नो दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. आप सब लोग जानते हैं जनरली जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नेम होता है. जैसे आप लोग एक रूम में बैठे हैं, रूम में आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं. अगर आप रोड पे हैं, रोड पे आप इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें ही नाउन हैं जिनका कुछ नाम है. आगे एक मिनट मैं आपको कुछ काइंड्स और उसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ. जस्ट सी टॉपिक नाउन. And noun is the name of any person, place, animal or thing. As I have told you, okay. After that, I want to tell you about the kinds. One by one, we will लिसन और वी विल रीड अबाउट द थिंग्स कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए. लाइक नाउन जो है उसकी काइंड्स यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले प्रॉपर नाउन, आफ्टर दैट सेकेंड नंबर है कॉमन नाउन. सी स्टूडेंट्स, इन दोनों में बहुत ही ईजिली आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. जैसे आपने देखा कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी बॉय को बुला रहे हो, आपने बोला बॉय, तो बॉय सिर्फ एक ही नहीं होता. बॉय जितने भी बॉयज हैं सभी लोगों को आप बॉय बोलोगे. लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर नेम लिया लाइक राम, श्याम, मोहन, तो ये सभी जो प्रॉपर नाउन है जब आप पर्टिकुलरली नाम लेते हो किसी पर्सन का. इसी तरह से जैसे आप गर्ल्स के नेम लोगे या कोई भी सिटी का नेम लोगे, जब आप पर्टिकुलर नेम लोगे तो वो आपका प्रॉपर नेम होगा. लेकिन जब आप एक जर्नल वे में किसी के भी बारे में बात करेंगे दैट इज़ द कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रॉपर नाउन मैंने लिखा दिल्ली, और यहाँ पे कॉमन नाउन में ये क्या हो गया, सिटी. अगर आप सिटी बोलते हो तो सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, वो दिल्ली, आगरा, कोलकाता, मुंबई, कोई भी सिटी. बट जब आप पर्टिकुलरली बोल रहे हो दिल्ली, दिस इज़ द प्रॉपर नाउन. और यही डिफरेंस है यहाँ पे. जैसे आपने कोई नेम लिखा, मैंने आपको बताया बॉय, गर्ल, सेम एक्सेट्रा, सेम एज अगर नेम लिखोगे लाइक आपने लिख दिया मोहन, ये एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है. सेम एज गर्ल, गर्ल लाइक नेहा एक्सेट्रा. इसी तरह से कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जब आप जर्नल वे में किसी का भी नाम लेंगे तो वो एक कॉमन नाउन होगा. लेकिन आप पर्टिकुलरली उस पर्सन, उस प्लेस, उस एनिमल या उस थिंग के बारे में बात करेंगे दैट विल बी द प्रॉपर नाउन. ओके, आफ्टर दैट थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी होती है जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन हम छू के नहीं देख सकते. जैसे आप किसी रूम में गए, वहाँ पे अंधेरा है, तो आपने क्या वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है. लेकिन अंधेरे नाम की कोई चीज़ तो नहीं है उस रूम में. आप किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते. वो सारी चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. फॉर एग्जांपल डर है ना, जैसे डर है आप महसूस करते हो, आपके दिल में होता है डर, लेकिन आपकी बॉडी में कोई पार्ट नहीं है जिसे आप डर बोलेंगे. सेम इज़ ब्रेवरी, आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो या फिर कोई सोल्जर है जिसने ब्रेवरी शो किया, लेकिन ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो. आपने महसूस किया कि उसके एक्शन से उस पर्सन ने ब्रेवरी शो किया, लेकिन ब्रेवरी नाम का कोई भी बॉडी पार्ट उसकी बॉडी में नहीं होगा. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? लाइक डार्कनेस, काइंडनेस. अगर आप देखते हैं कि कोई पर्सन है बहुत ही काइंड है, तो उस काइंडनेस उसकी क्वालिटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और इसको आप फील कर सकते हो बट आप उसको छू के नहीं देख सकते हो. आफ्टर दैट फोर्थ थिंग जो है दैट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जैसे किसी भी ग्रुप के बारे में इसमें हम बात करते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा कि हम बोलते हैं हर्ड. हर्ड क्या है? एनिमल्स का ग्रुप. हम बोलते हैं फैमिली. फैमिली क्या है? एक तरह के पर्सन, मतलब एक ही फैमिली का जो ग्रुप है, जो एक घर में जो लोग रहते हैं एक साथ, रिलेटिव्स हैं आपस में. सेम एज आप
क्लास बोलते हो, जैसे आपने बोला क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप बन गया जिसे हमने क्लास बोला। इसी तरह से हर्ड, क्लास और लाइक लोगों की भीड़ आप रोड पे देखते हैं, दैट इज़ क्राउड, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से मॉब भी उसे बोलते हैं, मॉब भी क्राउड होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी आप एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी द कलेक्टिव नाउन। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर, फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। सो अब सिंपल सी एक एग्जांपल से आप समझिए कि क्या होता है मटेरियल नाउन। जैसे आप लोग एक घर बनता है, सब लोग देखते हैं, सभी के घर बनते हैं, तो अब घर में देखिए, एक घर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपको सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, आयरन चाहिए, वुड चाहिए, कंक्रीट चाहिए, इसी तरह से ब्रिक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जब हमें एक घर बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल। तो जो भी कभी जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसके लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, दैट इज दैट ऑल विल बी द मटेरियल। ओके, आफ्टर दैट अगर आप ये देखें कि आपको सिंपल चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए शुगर, टी लीव्स, वाटर एंड मिल्क, जिंजर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल है जो आपने चाय बनाने के लिए यूज़ किया। तो मटेरियल नाउन में हम ऐसी ही चीज़ें लेते हैं जो मटेरियल हो, जैसे ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके लिए हमें गोल्ड या सिल्वर चाहिए होता है। ओके, सेम एज खाना बनाना है तो वाटर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने वन बाय वन नाउन की काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब जो नाउन्स हैं वो दो तरह से क्लासिफाइड हम उसको करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हो, उन चीज़ों को अगर आप काउंट कर सकते हैं, आप उनको गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होंगी। और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कितने हैं एक क्लास में, ये आप गिन सकते हैं ना। तो बुक्स को आप गिन सकते हैं, लेकिन अगर वाटर या फिर सैक हो, एक बोरा हो जिसके अंदर चीनी भरी हुई है, तो क्या आप चीनी को गिन सकते हैं? नो। सो शुगर विल बी द अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से राइस विल बी द अनकाउंटेबल नाउन। तो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन, एंड जो चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते, दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आफ्टर दैट हम इसमें नंबर और जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब नंबर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल टू टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स में अगर आप देखेंगे, सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन, जैसा कि आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो उसके लिए कुछ और रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सी, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स मैंने आपको बताया कि जो चीज़ों को हम गिन सकते हैं, है ना। काउंटेबल नाउन्स थिंग्स दैट वी कैन काउंट। थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, वो चीज़ें काउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, पेंस, हाउसेस, मैन, बुक्स, पेन, हाउसेस एंड क्राउड। क्राउड में आप लोगों को गिन सकते हो, एक्सेट्रा। ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो चीज़ें जो नहीं गिनी जा सकती, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। सेम एग्जाम्पल्स हैं इसके, शुगर,
वाटर, ऑयल ऑयल एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते, दे आर अनकाउंटेबल नाउन. अब स्टूडेंट्स इस आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द थिंग्स. ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल रीड अबाउट द नंबर्स. नंबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. आई विल टेल यू अबाउट दैट. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल क्या है ये? सिंगुलर मीन्स कि एक पर्सन, एक थिंग, एक प्लेस या एक एनिमल, कोई भी एक चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज़ सिंगुलर. और प्लूरल क्या है? एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब भी हम बात करते हैं दे आर द प्लूरल थिंग्स. मीन्स जैसे आपने बोला कप, कप्स, मैन, मैन, बॉय, बॉयज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल. इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर में, देखो लाइक एग्जाम्पल्स, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, डायरी, डायरीज एक्सेट्रा. दिस ऑल थिंग्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल. स्टूडेंट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. ओके, सो हेयर आर सम मोर रूल्स अबाउट दिस. आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल में जब भी वर्ड्स को कन्वर्ट करते हो आप, तो वहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना रहता है. ओके, सो वन बाय वन वी विल रीड दैट. फर्स्ट थिंग कि हमें जब किसी भी वर्ड्स को, किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना है तो हमें उसके लास्ट में एस या ई एस ऐड करना रहता है. लाइक आपने देखा फर्स्ट रूल क्या है, जस्ट ऐड एस और ई एस टू मेक द प्लूरल. लाइक फॉक्स, फॉक्सेस, बॉय, बॉयज, बस, बसेस एक्सेट्रा. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो चीज़ों के यूज़ करते हैं वो यही कि हमें बस एस या ई एस लगाना है. जैसे फॉक्स था, फॉक्स के बाद मैंने ई एस ऐड किया, लेकिन बॉय है तो बॉयज एस लगाया, बस है तो बसेस में ई एस ऐड किया. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनमें फर्स्ट रूल यही है कि हमें नंबर्स को जब भी चेंज करना है तो एस और ई एस का यूज़ करना है. आफ्टर दैट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, तो हमें वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड करना होता है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सेकंड इज रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आप. लाइक डायरी, इट विल बी चेंज्ड इनटू डायरीज. ठीक है, और इस तरह से हम वाई को चेंज करके आई ई एस इधर हमने ऐड कर दिया. ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होंगे जो आप आज तक पढ़ते आए हैं. ओके, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें अगर कोई भी वर्ड एफ ई पे फिनिश होता है तो उसमें वी ई एस हमें ऐड कर देना होता है. सो अगेन रिमूव एफ ई एंड ऐड वी ई एस. ये कैसे वर्ड्स में आता है इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने लिखा वाइफ, तो वाइफ को जब हम सिंगुलर से प्लूरल करेंगे दैट विल बी वाइव्स. ओके, सेम एज थीफ, तो थीफ को जब हम चेंज करते हैं दैट विल बी थीव्स. ओके,
ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको आप चेंज करते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं टाइम, उसका फॉर्म इस तरह से एस ई एस या वाई ई एस या आई ई एस करके चेंज नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में आप देखिए, जैसे आप पढ़ते हो चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाइल्ड को चाइल्ड्स कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको देखना है चाइल्ड जो है उसको कन्वर्ट करोगे आप तो इट विल बी चिल्ड्रन। ओके, एंड पर्सन, पर्सन का प्लूरल क्या होगा? व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू यू? इट विल बी पीपल, पी ई ओ पी एल ई। ओके, like this there are a lot of words which we can study in this which we can solve in this by these rules, by following these type of rules we can follow and we can solve the things which will come in the test. Okay, after that next thing jo hum padhenge that will be the gender. Next topic is gender. ये सारी चीज़ें जो हमने नंबर पढ़ा या जेंडर पढ़ा ये सभी नाउन के अंडर ही आते हैं, तो आज हम जेंडर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। ओके चलो, ओके नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर उसकी काइंड्स के बारे में और उसके एग्जांपल्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।